ये गाइस देखिए आप, सिविल सेंटर भिलाई के चौपाटी का माहौल। लेकर आपको जहां तक आपकी नजरें जाएं, वहां तक पूरे खाने का ही स्टॉल है। और इधर भी देख सकते हो आप, देखिए इधर इधर भी आपकी नजरें जहां तक जाए वहां तक पूरा खाने के लिए पाव भाजी, चाउमीन, बिरयानी, वेज बिरयानी, इस तरह के पूरे आइटम्स आपको खाने के लिए मिल जाएगा। और शाम को देखिए यहां का माहौल, एक बार आके देखिएगा यहाँ का एक बार। तो चलिए चलते हैं और हम भी थोड़ा आज टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरह से है यहाँ का चौपाटी का टेस्ट। ठीक है, हम भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं आज किस तरह के यहाँ के फूड्स हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस तरह की वीडियो देखना होगा तो आपको। समझ गए हैं श्री कैलाश भैया के पास, जो पाव भाजी स्पेशलिस्ट हैं। तो चलिए चलते हैं और चलकर अंदर हम भी पाव भाजी का स्वाद लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों अपना देखिए, चूल्हे रेडी होते हुए इधर आंटी इधर हाथ से सिलाई कर रही है। और ये अपना गैस भी जोरों शोरों से चल रहा है, इधर तेल गर्म हो चुका है। इधर एक प्लेट में कितने जाते हैं भटूरे? दो प्लेट जी। प्राइस क्या है आंटी इसका? प्राइस 80 रुपये है। 80 रुपये जी। कितने साल हो गए आपको बनाते हुए? 30 साल। अच्छा, मतलब बहुत पुराना एक्सपीरियंस है दोस्तों, आप देख सकते हो। आंटी एज भी बता रहा है और स्किल भी देखिए आंटी का। और ये गया भटूरे तेल में और ये इकाई का, देखिए किस तरह से खुल गया। देखिए इधर भटूरे रेडी हो गया और अपन छोले भी इधर रेडी। खुशबू भाई साहब लाजवाब है। चलिए इधर रेडी हो गया अपना छोले और भटूरे दोनों। ये अपना टेबल तो देखिए दोस्तों, ये अपना आ गया छोले और भटूरे। हाँ हाँ हाँ, कलर देखिए भाई साहब, और छोले का साइज भी देखिए आप, बहुत गजब लग रहे हैं। तो चलिए पहले अपना ये छोले भी आ गया और इधर पाव भाजी का भी ऑर्डर दिया अपन। तो देखते हैं कहाँ तक गया अपना प्रोसेसिंग। तो भैया इधर रेडी कर रहे हैं, अभी क्या बन रहे हैं भैया जी? आपका नाम? अच्छा जी, कितने साल हो गए भैया आपके शॉप को? अच्छा। दोस्तों ये भैया के पिताजी हैं। तो नमस्ते अंकल, बताइए कैसे आपका जर्नी, बताइए किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया? पहले ठेले से स्टार्ट किया था जी, फिर अभी स्थाई हो गया है। जी जी, 7-8 साल ठेले पे रहे। अभी क्या किया गया अभी इसके अंदर? और ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट गया। और ये आ गया जी,
और ये क्या जा रहा है? पाव भाजी मसाला एवरेस्ट जी। क्वालिटी देखिए भाई साहब एवरेस्ट का। और ये गरम मसाला जी, होम मेड स्पेशल गरम मसाला बता रहे हैं अंकल। और ये क्या जा रहा है भैया? अमूल बटर जी। तो देखिए यहाँ क्वालिटी का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। भैया एवरेस्ट का मसाला डाले और अभी अपना अमूल बटर गया। तो देखिए किस तरह से भैया प्रिपेयर कर रहे हैं भाजी को। और ये जा रहा है नमक, ये गया अपना धनिया पत्ती और अच्छे से मैश कर रहे हैं अभी ये एक बार इसको। तवे पर और ये पाव सिकने के लिए रेडी हो गई, देख सकते हो आप। तो देखिए इतना सारा पूरा एक साथ जाएगा। ये गया ऑयल, ये गई बटर, ये पाव भाजी मसाला और ये गया अपना धनिया पत्ती। बहुत जबरदस्त मजा आ जाएगा भाई साहब खाने में। जान आ गई भाई साहब इसमें। हाँ हाँ, लेकिन नींबू थोड़ा और ज्यादा रहता तो और मजा आ जाता। चलिए इधर अब नेक्स्ट सवारी अपना छोले और भटूरे का है। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये अपना छोले देखिए, छोले का सब देखिए, थोड़ा सा प्याज, ये गया अपने पेट के अंदर। मजा
ऐसा नहीं, बिल्कुल मम्मी के हाथ से बना हुआ है, घर जैसा है, बहुत अच्छा है। चलिए आपको खाने के बाद आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, आज कुछ नहीं है, पहले हम उसको फिनिश ठीक है देंगे। तो दोस्तों अपन लोगों ने पाव भाजी और छोले भटूरे टेस्ट किया, जो कि बहुत एक अमेजिंग लगा। मैं सही बताऊं तो ज़्यादा फेंकूंगा नहीं, बिल्कुल घर वाला टेस्ट था। आइए एक बार जगह पे विजिट कीजिए जगह को। और कैलाश भैया ने जो पाव भाजी बनाई थी, क्या कहना, लाजवाब भाई साहब, मज़ा ही आ गया था। जिस तरह से एवरेस्ट मसाला उसके अंदर गया पूरे पाव भाजी में, ना जान आ गई। और जस्ट अपन लोगों ने नींबू वीबू डाला ना, पूछिए मत, बस आइए तो विजिट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे लगा वीडियो में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वीडियो आपको देखना है चाहिए तो बिल्कुल मेरे चैनल नव ब्लॉगर्स में बनी रहिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू। और इसी तरह से अपन लोगों को सपोर्ट करती रहेगा अपन नवीन भाई को। आपने क्या ऑर्डर किया? पाव भाजी। पाव भाजी कैसा लगा? टेस्ट बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, स्पाइसी है और खूब अच्छे से बटर में सीखा हुआ है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगेगा, जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। जी आप कहाँ से हो? मैं दुर्ग से हूँ। अच्छा जी, दुर्ग बोर्सी से। तो थैंक यू रिव्यू देने के लिए। हेलो किड बेबी, क्या नाम है आपका? नहीं बोलती आप अभी? अच्छा चलो, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिस तरह से आपको अभी मैम ने बताया यहाँ का फूड लगा, तो प्लीज आइए एक बार जगह पे, शॉप पे विजिट कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बिना जाइएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।